MBA थर्ड सेम में आपका जो है ये ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड क्वालिटी मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है कि आपका कोर सब्जेक्ट है। देखिए इसमें जो है आपके 10 यूनिट्स हैं जो कि अपन स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको एक ब्रीफ जो इंट्रो है आपके सब्जेक्ट का वो दे रही हूँ आज, कल से अपन लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट आपका जो है ये आपके दो सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से बना है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। ये आपके दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं जिनको कंबाइन करके आपका एक सब्जेक्ट बनाया गया है। देखिए अब सबसे पहले तो हम ऑर्गेनाइजेशनल चेंज समझ लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में भी सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। हम ऑर्गेनाइजेशन से क्या समझते हैं या ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हिंदी में हम इसे संगठन कहते हैं। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव देयर गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। हम ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, यानी कि पूरी संस्था की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ एक इंसान तो काम करेगा नहीं, बहुत सारे लोग काम करेंगे। तो जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो एक साथ काम करते हैं गोल, जो भी टारगेट उनका होता है उसको अचीव करने के लिए किस तरीके से, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जब हम किसी भी संस्था में काम करते हैं तो एक्चुअली में उस संस्था में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं हम सब आपस में क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा एक दूसरे की हेल्प से ज़्यादा अच्छा काम होता है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करके ज़्यादा अच्छा गोल अचीव कर सकते हैं। उसके बाद चेंज की हम बात करें तो चेंज वर्ड से हम क्या समझते हैं, तो कंसर्न विद मेकिंग थिंग्स डिफरेंट। कोई भी चीज़ का हम अगर परिवर्तन करते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, तो वो चेंज ही कहलाता है। तो देखिए ये होता है चेंज, ये ऑर्गेनाइजेशन था, ये चेंज था। अब इन्हें कंबाइन करा है हमने तो क्या बना है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज रिफर्स द अल्टरेशन मॉडिफिकेशन इन द ओवरऑल स्ट्रेटजीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में क्या कह रहे हैं वो, अल्टरेशन यानी कि चेंज करना, कुछ ना कुछ नई चीज़ को परिवर्तन करके लाना। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी पॉलिसीज़ या स्ट्रेटजीज़ हमारी संस्था में ऐसी होती हैं जो सही नहीं होती हैं। सही नहीं होती इन द सेंस ये नहीं है कि हमने गलत पॉलिसियाँ बना रखी हैं, वो हमने जब बनाई थी जब ठीक थी, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो हो सकता है वो आज की डेट में सही नहीं हो। क्योंकि देखिए आज से हम 2019 की बात करें, 2019 की, तो 2019 से लेके 20 या 21 की हम बात करें तो एक सडन चेंज आ चुका है कोरोना वायरस की वजह से सभी की लाइफ में आ चुका है। चाहे वो आप पर्सनल बात करें चाहे ऑर्गेनाइजेशनल बात करें, वर्क फ्रॉम होम होने लगा। ये चीज़ें हमें पता था कि ऐसा हो सकता है, यानी कि वर्क फ्रॉम होम भी हम कर सकते हैं, हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं कि हम घर बैठ के भी काम कर सकते हैं, घर बैठ के हम ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, या हमें ज़रूरत नहीं है कहीं भी किताबें ले जाने की। तो ये चीज़ें होना थी, ये पता था कि डिजिटलाइजेशन आएगा, लेकिन वो इस तरीके से आएगा ये नहीं पता था। तो क्या हुआ, इस एक पूरे ड्यूरेशन में एक सडन चेंज आया है। अभी तक जो चीज़ें हम काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके से करते आ रहे थे उसको हमें काफ़ी मॉडर्न तरीके से करना पड़ा है, संस्था में भी करना पड़ा है, हमारी पर्सनल लाइफ में भी करना पड़ा है। तो वो अल्टरेशन हुआ। आपके ऑनलाइन क्लासेस पहले चलती थी लेकिन इतना ज़्यादा फोकस नहीं थे क्योंकि हम लोग फिज़िकल प्रेजेंस वहाँ देते थे क्लासेस अटेंड करने के लिए, लेकिन आज की डेट में हम बात करें तो हम घर बैठ कर स्टडी कर रहे हैं। तो ये एक अल्टरेशन हुआ, एक लाइव एग्जाम्पल है। फिर मॉडिफिकेशन, यही चीज़ चेंज की है कि आपको बुक्स इशू कराने के लिए भी कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको जो है ई बुक्स इशू करवाई जा रही हैं। इन द ओवरऑल स्ट्रेटजीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि देखिए ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में सिर्फ इतना ही मैंने आपको समझाना चाह रही हूँ कि हम जो है हमारी संस्था में मॉडिफिकेशन करते हैं, अल्टरेशन करते हैं, चीज़ें मॉडिफाइड करते हैं, अपग्रेडेड वर्जन जो होते हैं टेक्नोलॉजी के वो लाते हैं, या जो हमारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिनसे हमें ज़्यादा अच्छा कुछ खास आउटपुट नहीं मिल के आ रहा है हम वो लाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम स्ट्रेटजीज़ हुई, पॉलिसीज़ हुई, उनको चेंज करते हैं, अल्टर करते हैं, कुछ चीज़ें घटाते हैं, कुछ बढ़ाते हैं, कुछ को चेंज कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, कुछ मॉडिफाई कर देते हैं और अच्छा बेहतर अपग्रेडेड या अपडेटेड वर्जन जो है हम हमारी संस्था में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो आपका था ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। इस सब्जेक्ट को हम जो है आगे और कंटिन्यू करेंगे। और एक और जो इसमें कंबाइन करके आपका बनाया गया है, दैट इज़ क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसमें हम पहले क्वालिटी समझ लेते हैं। तो क्वालिटी से हम क्या समझते हैं, व्हाट इज़ क्वालिटी, तो एक इनहेरेंट फीचर होता है, एन इनहेरेंट फीचर भी कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा तत्व जो कि इनहेरेंट यानी कि इनबिल्ट या जन्म से ही होता है। फिर होता है एक पेक्यूलियर एंड एसेंशियल फीचर या नेचर, वही बात होती है डिग्री ऑफ एक्सेलेंस। देखिए कोई भी पर्सन जो है जो किसी ना किसी को अलग बनाता है तो वो क्या चीज़ है,
क्या चीज़ है जो कि आपको अलग करती है किसी से भी? तो क्या है आपका डिग्री ऑफ एक्सेलेंस होती है जो आपको क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है, अलग बनाता है आपको किसी ना किसी से। तो ये तो क्वालिटी जनरल सेंस की बात हो गई है। फिर होता है मैनेजमेंट। तो क्या होता है, एक्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन हम फर्स्ट ईयर से जो स्टडी करते आ रहे हैं, तो मैनेजमेंट क्या होता है, द एक्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट एक कला होती है, काम कराने का तरीका होता है अपने सबऑर्डिनेट से। हम उन सब चीज़ों को क्या करते हैं, मैनेज करके रखते हैं। अब इसमें क्वालिटी मैनेजमेंट टोटल क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ ओवरसीइंग ऑल एक्टिविटीज़। जो भी एक्टिविटीज़ हमारी संस्था में होती हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, उन सब चीज़ों को हम देखते हैं। टास्क दैट मस्ट बी एकम्प्लिश्ड टू मेंटेन अ डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एक्सेलेंस। अब यहाँ पर कौन से टास्क की हम बात कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हमारे टास्क होते हैं उनको हम एकम्प्लिश कराते हैं, मेंटेन करते हैं हमारे डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एक्सेलेंस को। यानी कि जो भी एक आउटपुट हम हमारे प्रोडक्ट में लाना चाहते हैं, उसके सभी तरह के जो टास्क उसके ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं, हम उन सबको क्या करते हैं, देखते हैं उसकी क्वालिटी। यानी कि यही चीज़ है, जो उसके फीचर्स होते हैं उनको मेंटेन और भी ज़्यादा डेवलप या अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पूरा आपका सब्जेक्ट था ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसके जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपन कल से इसको स्टार्ट